देखिए, इसे कहा जा रहा है कि यह शांति समझौता है अमेरिका और तालिबान के बीच में। वास्तव में यह शांति समझौता नहीं, यह अमेरिका का विड्रॉल का समझौता है, क्योंकि अमेरिका अपनी फौज 18 साल की लड़ाई के बाद थक चुका है। अमेरिका लड़ना नहीं चाहता, उसके आंतरिक परेशानियां हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी फ़ौज को वापस बुला लिया जाए। अभी वो फ़ौज कम करेंगे पिछले अगले 2-3 महीनों में, और उसके बाद एग्रीमेंट है कि 14 महीने बाद यदि शांति रही तो पूरी फ़ौज विड्रॉ हो जाएगी। शांति अफगानिस्तान में तब होगी जब तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा बंद कर दें और एक राजनीतिक दल के रूप में अफगानिस्तान के संविधान में जो चुनाव होते हैं उसमें भाग लें, और जब अगर उन्हें जनता का वोट मिलता है तो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन तालिबान चाहते हैं कि वो पीछे के दरवाजे से अमरीकी सहायता से सत्ता में आ जाएं, या जो अभी जो वर्तमान सरकार है अफगानिस्तान की उस पर दबाव डाला जाए कि वो तालिबान को एक मिलीजुली सरकार में शामिल करें या एक अंतरिम सरकार में शामिल करें। इससे अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तालिबान ने तो अफगानिस्तान का सरकार से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। तो कल जब अमरीकी फौज कम हो जाएगी वहाँ पर तो बातचीत तो करेंगे नहीं, वो तो हिंसा में उतारू हो जाएंगे। और जिस प्रकार की हिंसा उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पर थोपी थी जब वो 5 साल सत्ता में थे अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक, तो वही स्थिति दोबारा वापस आ जाएगी। ऐसा अभी तक कोई अंदेशा नहीं है, कोई कारण नहीं है हमें ये सोचने का कि तालिबान बदल गए हैं और वो अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। सर, भारत के आंतरिक दृष्टि पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जो रिलेशन है अंतर्राष्ट्रीय सारे देशों के साथ, इस एग्रीमेंट को किस तरह से देखते हैं आप भी रह चुके हैं सर अफगानिस्तान के ऊपर? हाँ, अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता हट गई थी और जब वहाँ पे एक संवैधानिक सरकार बनी, तो भारत के साथ संबंध बहुत तेज़ी से मजबूत हुए। भारत ने अफगानिस्तान को सहायता देना प्रारंभ किया, और अभी अफगानिस्तान दूसरा सबसे बड़ा देश है भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला। जब मैं अफगानिस्तान का मामला देख रहा था विदेश मंत्रालय में 2004 और 2007 के बीच में, तो उस वक्त हमारी सहायता की शुरुआत हुई थी और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे। थोड़ी परेशानियाँ थी, विशेषकर जो इलाके पाकिस्तान की सीमा के से लगे हुए थे वहाँ पर तालिबान अक्सर परेशान किया करते थे, कुछ भारतीय हताहत भी हुए थे, लेकिन वो हमले अब और बहुत बढ़ गए हैं। 10-15 साल पहले तालिबान हिंसा कम थी, इसलिए लोग ज़्यादा काम कर पा रहे थे, लेकिन अब यदि अमरीकी फ़ौज वापस निकल जाती है तो अफगानिस्तान में शांति बहाल तो नहीं होगी किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, और भारतीय जो सहायता कार्यक्रम है उस पर बुरा असर पड़ेगा इसका।